वी स्टार्टेड सी अलॉट ऑफ हेडलाइंस इन द न्यूज पेपर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई एंड सबके अंदर क्या ही चीजें मैंशन करी हुई थी कि क्या कोविड नाइनटीन एक बायो वेपन है क्या कोविड नाइनटीन एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ कोई इशारा कर रहा है इन द शेडो ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर वर थ्यूरीज एंड ओरिजिन के ऊपर बात करी गई कोविड 19 के ओरिजिन कहाँ से आए हैं और इसके ऊपर बात करी गई कि एनहांस करनी पड़ेगी ग्लोबल गवर्नेंस बायो सेफ्टी को एनहांस करना पड़ेगा इट इज मैटर ऑफ अर्जेंसी राइट सो विद दिस ऑफ पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड बायोटेररिज्म अचानक से एक बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक हो गया बट इन इंडियन कंटेक्ट वेन वी सी इंडियन कंटेक्स में ये ज्यादा फेमस कब हुआ जब हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने जब हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट करा इस नीड को कि गवर्नमेंट शुड हैव लॉज टू काउंटर बायो टेररिज्म एंड ये जो हाईलाइट uh, किया पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट में जिसका नाम था द आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक कोविड 19 एंड इट्स मैनेजमेंट इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया था इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी ये एक सेवन पॉइंट एक्शन प्लान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि देर इज़ नीड टू इंश्योर सिक्योरिटी अगेंस्ट बायोलॉजिकल वेपन्स सो देर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां पे हम देखते हैं इंडिया में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात होनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी आफ्टर डेलीबरेशन विद पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एक्शन प्लान एक कंक्लूजन निकली कि इफेक्टिव लॉज होने टू काउंटर बायोटेरिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट right. तो ये नीड कहाँ से उठती है बेसिकली ये कोविड 19 के होने के बाद ये सारी की सारी नीड हमें देखती है कि देश डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आर नाउट टॉकिंग अबाउट इट पार्लियामेंट्री पैनल्स में इस चर्चा इस टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि बायो टेररिज्म बेसिकली है क्या राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड बायोटेरिज्म है क्या चीज़ तो बायो टेररिज्म इज अ प्लान एंड डेलिबरेट यूज ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेन पैथोजेनिक स्ट्रेन को या उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं उनके पैराजेस को यूज यूज करके करके सच एज बैक्टीरिया वायरसेस या उनके को करके, को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस स्प्रेड किया जाता है ऑन अ मास स्केल इन ऑर्डर टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया राइट सो ऑब्वियसली ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ इससे पहले भी हमने वर्ल्ड वॉर्स के एविडेंसेस देखे हैं सरीन गैस का यूज किया गया था वहां पे उसको कुछ टाइम पे केमिकल वेपन्स के साथ एसोसिएट किया गया था बट देन सिंस इट रिजल्टेड इनटू डिजीजेस तो उसको कहीं ना कहीं केमिकल और बायोलॉजिकल इकट्ठा समझ लेते हैं तो बायो टेररिज्म टर्र, के जो एजेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया है ऑलरेडी इन थ्री कैटेगरीज कैटेगरी ए वो पैथोजेंस की कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी है उसके बाद आती है कैटेगरी बी एंड देन कम्स कैटेगरी सी तो कैटेगरी ए के अंदर हाई प्रायोरिटी एजेंट्स दैट पोज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज दे कैन बी ईजिली डिसिमिनेटेड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो इनका जो फैलने का बीमारी का रेट है जो जिस तरह से हम फ्लू कैच करते हैं इट इज़ वेरी रैपिड उसी तरह से जो कैटेगरी ए है उसका फैलने का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा दूसरी चीज़ उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे राइट right. कोविड में हम जैसे देख रहे हैं अराउंड वन या 1.5% के आसपास फेटेलिटी रेट है तो इन कैटेगरी ए पैथोजंस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स का अगर एग्जांपल हम लेते हैं बोटुलिज्म का एग्जांपल हम लेते हैं या फिर प्लेग का एग्जांपल हम लेते हैं सम ऑफ द डिजीजेस व्हिच हैव बीन कॉज्ड बाय कैटेगरी ए

अभी तक बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं तो अभी तक भी अपने इमर्जिंग फेज में ही है हो सकता है लेटर ऑन दीज एजेंट्स माइट बी मूविंग अप टूवर्ड्स कैटेगरी बी एंड कैटेगरी ए राइट तो ये है मतलब पूरा बायोटेरिज्म uh, का उसके बाद बात करते हैं कि बायो में अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडियन कंटेस्ट में वाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू हैव स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट बायो आ, बायो एंड बायो को बचाने के लिए हमारे देश को क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स की ज़रूरत है वाई शुड वी स्टार्ट थिंकिंग सबसे पहली चीज़ इंडिया इज वेरी हाई इन वर्नरेबिलिटी वर्नरेबिलिटी कहने का मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब पीपल लिव वेरी क्लोज टू ईच अदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता चाहकर भी इन एडिकुएट मेडिकल फैसिलिटीज हैं हम लोगों के पास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है कहने का मतलब आइडियल कंडीशन फॉर अ वायरस और अ बैक्टीरिया टू प्रोपोगेट पुअर हाइजीन एंड इन एडिकुएट सैनिटेशन फैसिलिटीज विच मेक इंडिया एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू सच अटैक्स तो इंडिया जैसे देश पे अगर कल को इस तरह का कुछ अटैक देखने को मिलता है तो डेवेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल होगी इन कंपैरिज़न टू अ कंट्री लाइक आइसलैंड जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा इन प्लेस हैं पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है सो ऑल दिस इंपैक्ट्स विल बी वेरी लेस इन दो पर्टिकुलर कंट्रीज इसके अलावा टू कंट्रोल इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बायोटेरिजम को भी अगर हमने लॉ नहीं बनाया तो इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे भी आएगा जिस तरह से कोविड का आया राइट इमीजिएटली uh, जब लॉकडाउन हुए पीपल लॉस देयर जॉब्स दे वर एट होम फॉर टू थ्री फोर मंथ्स राइट उस टाइम पे एंगजाइटी की प्रॉब्लम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी फियर हो गया था माइंड में बाहर निकलने से तो ऑल दोज साइकोलॉजिकल इशूज़ अप एंड वो चीज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है इसके अलावा इट कैन इंक्रीज इन दी अटैक्स ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अब रिसेंटली हो क्या रहा है विद दी एडवेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जिस लेवल पर आज की डेट में काम कर रही है उस डेट में उस दौर में ऐसे अनकन्वेंशनल बैक्टीरिया की बात करना या सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल एजेंट्स को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो मतलब मैं ऐसा एक बैक्टीरिया या ऐसा वायरस कल को आ जाता है जिससे आप आ, आपके देश के ऊपर ऐसा हमला किया जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है इसलिए आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव लॉज विच आर इन प्लेस एंड शुड बी अप एंड रनिंग बाय नाउ राइट काउंटर बायोटेररिज्म मैकेजम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे देश की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में सोचा नहीं है द गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड

इशू को गवर्न करे और उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग बट द प्रॉब्लम इज के दो हज़ार सत्रह से अभी तक ऑलरेडी uh, अब फोर्थ ईयर चल रहा है एंड इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम सो द नीड ऑफ द आर इज के इमीजिएटली ऐसा कोई लॉ जो है वो बनना चाहिए सो so लॉ ऐसा बने दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज डेटरेंस बाय लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर्ड लेजिस्लेशन होना इज असेंशियल एलिमेंट ऑफ नेशनल प्रिपेयरनेस अगर हमारी कोई नेशनल पॉलिसी ही नहीं है बायोटेरिज्म को लेकर तो फिर हम उससे बचेंगे कैसे वो बहुत मुश्किल एक चीज़ हो जाएगी जो हमें उस टाइम पे मौके पे करनी पड़ेगी इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए हमें एग्जामिन करना पड़ेगा बायोटेर अटैक जितने भी आज तक पुराने जमाने के हुए हैं या कहीं पे भी ऐसी कोई केस स्टडीज़ हैं। तो देर शुड बी स्पेशल टास्क फोर्स वो जो पढ़े इन केस स्टडीज को और प्रिवेंटिव एक्शंस किस तरह से होने चाहिए उसके बारे में रिसर्च करे और अपनी प्रिपेयरनेस के बारे में या लॉ इन्फोर्समेंट के पर्सोनल के बारे में जो जो भी स्टेप्स लेने हैं वो पैरलली लेते रहे हम लोग राइट सर्वेलेंस एंड असेसमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स राइट कैन बी डन बाय रिकोग्नाइजिंग पैटर्नस ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिंड्रोम कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक डिजीज स्प्रेड हो रही है हो जा रही है बट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टैकल या गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ये ये पता ही नहीं रहा है कि यह बीमारी वाकई में ही एक एपिडेमिक बन सकती है क्या यह वाकई में ही एक पैंडेमिक बन सकती है तो ये बेसिक चीजें हमें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक हम सर्वेलेंस एंड असेसमेंट प्रॉपर नहीं रखेंगे अगर मार्केट में या अगर हॉस्पिटल में कोई नई बीमारी आई है तो उस हॉस्पिटल तक ही ना रह जाए वो वो प्रॉपर फीडबैक जाए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी उसके ऊपर रिसर्च करे एंड इट शुड बी इन द नेशनल डोमेन के ऐसे और कितने केसेस हैं तभी वो प्रॉपर सर्वेलेंस एंड असेसमेंट हो सकती है इसके अलावा लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुड बी स्टार्टेड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लेबोरेटरी स्टाफ एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स विल मोर तो ट्रेन करना बहुत जरूरी है सबसे पहले आप लोगों के पास ही ऐसा अजीब सा वायरस आएगा नया वायरस आएगा विच माइट बी केस ऑफ बायोटेरिज्म तो जब आप ऐसे किसी केस के ऊपर डील कर रहे हो तो उनको उस वे में ट्रेन किया जाए ताकि दे है वो लिए जाए सो ऑल ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू डू बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट अभी तक देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं न्यूज़ में ये जो हमने बात करी थी पार्लियामेंट्री पैनल इट हैज बिन टॉकिंग अबाउट दिस इशू बट अभी तक लॉ नहीं बना है बायोटेरिज्म आई होप इज क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड कोविड डेफिनेटली फॉल्स इंटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज ओनली राइट तो देर इज स्पेसिफिकली अ नीड फॉर बायोटेरिज्म लॉज इन इंडिया वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट एंड काउंटर इंसर्जेंसी सॉरी काउंटर बायोटेरिज्म स्ट्रेटेजी शुड बी नाउ in place and should be up and running as soon as possible so this is it about bioterrorism i hope you gained some knowledge with the help of this video uh, to keep watching the videos please subscribe to the channel and click on the bell icon thank you so much take care and bye bye